अनोर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। इस देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट के, राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनकी पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले, तो उनके विकास के सपने के मॉडल को, आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 उम्मीदवार को जिताकर समर्थन देने का काम। रोहिणी भी आज सिंगापुर लौट रही है, लौटना ही था, हमारी बहन है। भगवान करे, हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए रोहिणी को। सर, सवाल है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं लोगों ने, सम्राट जी आज बैठक जो हुई उस पे कुछ बातें कही है, कुछ ऐसी जो बहुत मजबूत से जीतने वाले थे पार्टी के अंदर, हम समीक्षा कर रहे हैं और हम अपने पार्टी के पदाधिकारी जो लगे थे उनका क्या अनुभव था, पार्टी कहाँ कमजोर थी कहाँ मजबूत थी। 75% मार्क्स आए बिहार की जनता ने दिया है, हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले और आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लाए, इसकी कल्पना के साथ। जदयू ने मगर NDA को नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को ही घोषित कर दिया, बीजेपी से सहमत है? तो हमने कहा 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखिए, देश की आज़ादी को जिन लोगों ने गिरवी रखा और देश को कमजोर करने वाले को जिन लोगों ने पोषित किया है, इस चुनाव में उसकी झलक भी दिखाई पड़ी है। और तमाम देश को कमजोर करने वाले लोग एक मंच पर आकर खड़ा हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोधी तत्वों के साथ मिलकर एक राष्ट्रभक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाह रहा था, लेकिन देश की जनता ने यह संदेश अपने जनादेश से दिया कि मोदी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी के चुनाव लड़ती तो मोदी जी हार जाते 4 लाख से। राहुल गांधी जी पप्पू हैं, आज भी ये पप्पू दया के पात्र हैं। आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधियों के उसके पांव पकड़ करके ये चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त करने का मानसिकता रखते हैं। अरे, हिम्मत है तो केरला क्यों भागे थे, अमेठी क्यों छोड़े थे, क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़े थे? दया के पात्र लोग जो राष्ट्र को कमजोर करने वाले अपराधी, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी की मानसिकता को पोषित करने वाले की जमात के साथ मिलकर चुनाव में तत्कालिक लाभ उठा सकते हो, अस्थाई जनादेश न मिला है न मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब CM बनने जा रहे हैं, क्योंकि जब 0 सीट था तो बिहार सभा में क्या भूमिका था, अब 4 सांसद हैं, 25 में CM बनेंगे। तेजस्वी यादव जी को पहले भी 4 मिला था, 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मुक्ति धाम जाता है तो 4 की जरूरत पड़ती है, और आज फिर 4 मिला है। 2025 में राम नाम सत्य है, ये 4 लोग उसकी व्यवस्था बना देंगे। सर, सर रोहिणी आज वापस जा रही है चुनाव में, वो रही मगर अब फिर से वापस जा रही है, जनता के बीच में विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगी, हार गई है तो। देखिए, बेटी है, राजनीतिक परिवार से है, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने परेशान किया, लाकर अपमानित कराया, राजनीति के गलियारे में जबरदस्ती ठेल कर
परिवारवाद की जमींदारी को बढ़ाने का प्रयास किया उन लोगों को रोहिणी आचार्य जी से क्षमा मांगना चाहिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को सेंटीमेंट भजाने का खेल खेला। अरे शाहबाद में एक एक्सीडेंट है, नहीं तो फिर शून्य पर आउट होते। लेकिन चार लोगों को दिया है, ये आपका राम नाम तय करेगा। अंतिम सवाल सर, आज समीक्षा बैठक हुई है सर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, सर क्या कुछ फाइंड आउट सर निकल पाया, क्योंकि बहुत संभावित जीत की जो थी उस पर सर आप लोग को सर? निश्चित तौर पर सारे लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है। कार्यकर्ता हमारे हर विपरीत परिस्थिति में जूझते रहे, तमाम देश के और राज्य के वैसे मानसिकता जिसका एक सूत्री अभियान था मोदी को रोको, उसके बाद भी जनता ने मोदी जी के नाम पर 30 सीट बिहार के अंदर दिया है। और जो हम लोग हारे हैं सीट, वो सब जानता है कि आज मंथरा और कैकेयी के मानसिकता के कारण जो हम पीछे रह गए, भविष्य में ये पीछे नहीं रहेगा। दो तिहाई बहुमत से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी और हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करे, बिहार को गाली बनाने वाले को सबक सिखाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।